लोहावट वार्ड संख्या 8 पंचायत समिति सदस्य भाजपा प्रत्याशी सुल्तान खान बोले, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर कर करेंगे क्षेत्र में विकास। जोधपुर जिले की लोहावट पंचायत समिति की वार्ड संख्या 8 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु भाजपा उम्मीदवार सुल्तान खान को क्षेत्र की जनता ने चुनावी जंग में उतारा है और उनको क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, जिसको देख उनकी जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई विस्तृत चर्चा को। सर, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज का खास मुलाकात प्रोग्राम, जिसमें हम मुलाकात करवाते हैं राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों से। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री सुल्तान खान जी, जो कि वार्ड संख्या 8 पंचायत समिति लोहाट जिला जोधपुर से पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उनसे करते हैं मुलाकात। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका स्वागत करता हूँ, आप आए हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात करें आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो आप कितने वर्षों से हैं राजनीति में? राजनीति के सर हम कम से कम 20-25 साल हो गए हमारे। मारवाड़ी बोल सकते हैं। हाँ, पार्टी से जुड़े रहे, बीजेपी पार्टी से जुड़े होने हमारे को 20 साल हो गए। इससे पहले आप किस पद पे रहे हैं सर? शुरू में हम ये वार्ड नंबर 3 के अंदर वार्ड पंच, शुरुआत आपने चुनाव से की। हाँ, बाद में हमने चुनाव लड़े 2002 में, 2002 में लड़े थे, उसमें हम 160 वोटर से हार गए थे। सरपंच का चुनाव लड़े? हाँ, सरपंच का चुनाव। दोबारे हम 5 से 9 तक हम चुनाव लड़े, उसमें हम जीते ग्राम पंचायत उसलाव से 592 वोटों से। हमने जनता बहुत सेवा, जनता ने सन्देह दिया। हाँ, सन्देह दिया। उसमें 9 के बाद हमारे घरवाली ने लेडी सीट थी। अच्छा, चुनाव लड़ी, उसमें हम जीते हमारे रामत सरपंच। अच्छा, 585 वोटर। ठीक है, दोबारा उतनी लीड से दोबारा। अभी हम धाराबागा से चुनाव लड़े थे अभी। अच्छा, ये पिछले चुनाव? हाँ सर, 28 वोटों से हम हार गए। अच्छा, 28 वोटों से। ठीक है, तो सर बात करते हैं, अभी आप जैसे बीजेपी से जुड़े 20 साल हो गए, बीजेपी ने आपका मान सम्मान करते हुए आपको टिकट दिया है वार्ड नंबर 8 से। हाँ, अभी दिया है आपको। एक बार हमने जो बीजेपी सरकार अभी अशोक जी दी गए, इसके पीसीआर में मंडी डायरेक्टर चुनाव लड़े थे। अच्छा, मंडी डायरेक्टर के चुनाव, मंडी समिति के चुनाव हमारे। ठीक है, उसमें हम 5 वोटों से हार गए थे। बाद में हमारी सरकार मेरा मान सम्मान रख के अनुमत कर दिया, मनोनीत किया। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी जैसे पार्टी ने आप पे विश्वास किया है, टिकट दिया, पार्टी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे को जो टिकट दिया है उसके लिए हमारी पार्टी का मान सम्मान रखेंगे। हमारो सब के लिए जो गांव वासियों के अंदर सती स्कूल में हम हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, कमल का फूल खिलाना है। हिंदुस्तान के अंदर आज लगातार हमारे कमल का फूल भी आता है। आगे भी मैं दुआ करता हूँ खुदा से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। ठीक है सर। तो सर बात करते हैं, जैसे अभी आप जीतते हो, जनता आपका आशीर्वाद देती है, तो ऐसी पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप पहले दूर करना चाहते हैं? सर, हम 10 साल सरपंच रहे थे। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति हमारे पंचायत समिति SDM ऑफिस कोई भी लिजा करके एप्लीकेशन नहीं दी, कोई पानी की कमी रखी नहीं। हमने 10 साल के अंदर 18 ट्यूबवेल कराए दोनों पंचायतों के अंदर। अभी हमारे हालत ये हो रही है, जो हमारे सरपंच है मोदी अफजल जलील, धाराबागा के अंदर जो पाइप निकाल करके बाजार में बेचा हुआ है, पब्लिक आज 500 रुपया टैंकर का दे रहे हैं। कहने का मतलब, आपने जो सुविधाएं दी थी वो अभी जारी नहीं है, उसमें भी कटौती कर दी गई वर्तमान के अंदर, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूं। तो आप अगर मनते हैं तो इसमें दोबारा सुधार करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, हमारों को जीतेंगे, पब्लिक हमारों को जीताएंगे, हमारा प्रधान बनेगा। तो मैं जो भी है, सभी लोगों को जो जो समस्या है, आधी रात में तैयार हूँ। समस्या हर घर, जैसे हर घर पानी पहुंचाना, हर घर लाइट है, सड़कों की समस्या है, कहने का मतलब जो भी समाज सेवा के या जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्या है, उन सबको आप दूर करने का जरूर करेंगे, जरूर दूर करेंगे। तो सर, अब भी आप हमारे माध्यम से पब्लिक से कोई मांग करते हैं वोटों की, बीजेपी को वोट दें, मजबूत बनाए इसको, पब्लिक से कोई अपील? हम आज जोड़ के हूँ, सपोज अगर सतीश घूम के हूँ,
घूमता हो, अर्ज करो मैं कमल का फूल खेदाना है, मेरे को जीता करके पंचायत समिति लोहार पहुंचाओ, जो भी समस्या है आपकी दूर करेंगे। तो सर बात करते हैं, कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन पे जो भी मनाते हैं रक्षाबंधन बहने, उनको बधाई संदेश कोई देना चाहें? उसको हम हमारे बहनों भाइयों सबको मैं ये राखी का बहुत बहुत उसको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ मेरे को विजय बना करके कमल को फूल को जीता हो बहनों। सर अब जैसे प्रचार चल रहा है, इसमें कहीं भीड़ होती है या वोटिंग के दौरान भीड़ होती है, कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें पब्लिक को आपको ये संदेश देना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें और वोटिंग करें सभी पद। हाँ, वोटिंग को मैं हाथ जोड़ करके जो 29 तारीख का वोट है, सभी लोगों से बहनों से भाइयों के हाथ जोड़ के कहने भाई भीड़ मत करो, आपका वोट दे करके आप घर चले जाओ, भीड़ ना करें। तो धन्यवाद सर हमने टाइम देने के लिए, बहुत बहुत आपको, हमारे जो जनता को, वोटिंग को, और आप हमारे पास आए आपको भी धन्यवाद, हमारे पार्टी को भी धन्यवाद, मेरे को टिकट दिया, मेरा मान सम्मान रखा, मैं जीत करके इंशाल्लाह जाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुल्तान खान जी, जो कि वार्ड 8 पंचायत समिति लोहाट जिला जोधपुर से हैं बीजेपी प्रत्याशी हैं। इसी के साथ मैं सरुण कुमार अपने सहयोगी सुरेश कड़वासरा के साथ जोधपुर से हैं RPD न्यूज़ के लिए।